नमस्कार, मैं मुंबई से मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा आप सभी को फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ पर बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं पर पिता पर बहुत कम। अक्सर हम सभी अपनी माँ की तो पूजा करते हैं पर पिता के त्याग को भूल जाते हैं। पिता का साथ ही तो माँ में आभा भरता है, दुनिया की धूप में वही तो हमारे संबल बनते हैं। माँ के छोटी उम्र में जाने के बाद मेरे पिताजी हम सभी बच्चों के लिए माँ और पिता दोनों बन गए थे। आज वह भी हमारे बीच नहीं है पर उनकी सारी बातें मानस पर यूं ही अंकित हैं जो हर घड़ी हमें प्रेरित करती हैं। मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा स्रोत, मेरे नायक, मेरे आधार, मेरे जीवन संबल। एक नयन में माँ की ममता, दूसरे नयन में पिता का प्यार। आप में ही पाया दोनों का लाड दुलार। उनकी बातें, बचपन की यादें हैं बहुत खास। उनसे सीखा जीवन जीने का ढंग, गागर में सागर, ज्ञान के अपार मोती आप लुटाते। प्रेम उनका आसमान से ऊंचा, बरगद के पेड़ जैसी देते थे वह छाया। जब भी आंखों में आंसू आते, माँ बन वो दुलारते पर पिता बन आगे बढ़ने की हिम्मत बनते। सच कहूँ एक वाक्य में तो मेरे पिता मेरे आदर्श, पथ प्रदर्शक, प्रेरणा स्नोत्र, मेरे नायक, मेरा जीवन, प्रभु का वरदान। हर बच्चा जब जन्म लेता है माता पिता का साथ पाकर ही वो बड़ा होता है। आंखों में तैरते हैं उसके अनगिनत सपने, आसमान को वो छूना चाहता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ना चाहता है। पिता का साथ उसे दुनिया की हर धूप से बचाता है। उन्हीं के कंधे पर चढ़कर वह संसार देखता है, उन्हीं की उंगली पकड़कर वह चलना सीखता है, उन्हीं का विश्वास पाकर वह कठिनाइयों को पार करता है। अंधकार से उजाले के बीच बहुत बड़ी गहरी है एक खाई। एक पिता ही आधार बन सकता है, पुत्र की खातिर हर जोखिम उठा सकता है। पिता का सुदृढ़ संग पाकर ही हर पुत्र उज्जवल भविष्य पाता है। एक पिता चुपचाप स्वयं को मिटाकर भी, अनगिनत तकलीफें सहकर भी संतान के सब सपनों को दिन रात मेहनत करके पूरा करता है। पुत्र बुलंदियों को छूने लगता है, हवाओं में उड़ने लगता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लगता है, धीरे धीरे पिता की कुर्बानियों को भूलने लगता है। बहुत दुख होता है सुनकर जब कोई पिता वृद्धा आश्रम के कमरे में सिमटने लगता है। नमस्कार।